काम कर रहा था अध्यक्ष जी, आप चुनावी मैदान में हैं और किस तरह से आप आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जी हाँ, मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रत्याशी हूँ और आपको, भाई पंकज जी को और तौरिक भाई को जो प्रेस रिपोर्टर हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको होली की शुभकामना और उसके बाद पूरे अधिवक्ता समाज को, पूरे देश को मैं होली की शुभकामना दे रहा हूं और मैं इस उद्देश्य के साथ जो है उतरा हूं मैदान में कि अधिवक्ताओं के साथ आए दिन अपराध हुआ करते हैं, चाहे वो पब्लिक के अपराध हो, चाहे पुलिस प्रताड़ना हो, इसको लेकर के मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं। मेरी 43 साल की वकालत हो गई है, मैं बराबर अधिवक्ताओं के हित के लिए 2 साल में अध्यक्ष था तब भी लड़ रहा था और आज भी मैं संघर्षशील हूं। मेरा मेन उद्देश्य जो है अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराना है और उनके मेडिक्लेम को 5 लाख तक उनकी दवा फ्री के लिए मैं संघर्षरत हूं और जो 5 लाख रुपया दिया जा रहा है अधिवक्ताओं के मृतक होने पर, वो जो टोल टैक्स लग रहा है अधिवक्ताओं के गाड़ियों पर, उस पर भी हम जो है आवाज उठा रहे हैं। हमारी सरकार पता नहीं क्यों अभी नया संविधान में उन्होंने डॉक्टरों के लिए संहिता लागू किया, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आधी समस्या अधिवक्ताओं की सॉल्व हो जाएगी, आधी क्या लगभग संपूर्ण समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो हम आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और मैं इसीलिए अभी 10 दिन पहले ये एक फरमान जारी किया था कि अगर सरकार हमारे प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर देती है उत्तर प्रदेश सरकार, तो हम सभी अधिवक्तागण से निवेदन भी करेंगे और आग्रह करेंगे, बढ़ चढ़ करके सरकार की मदद करेंगे वोट देने। हमारे अधिवक्ताओं की संख्या इस समय कम से कम 6 लाख है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। ऐसी स्थिति में जो लोग हल्के में ले रहे हैं अधिवक्ताओं को, ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। अधिवक्ता समाज की रीढ़ होता है, अधिवक्ता ही समाज को बनाता है। ऐसी स्थिति में हमें बराबर आग्रह करते आ रहे हैं कि सरकार इन मांगों पर हमारे अमल करें और उसको लागू करें। एक सवाल मेरा, ये युवा अधिवक्ता जो युवा है, युवाओं पर क्या फोकस करने वाले हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं? युवा अधिवक्ता हो चाहे महिला अधिवक्ता हो, उनको भी कम से कम 5 साल तक वो 15,000 रुपया महीना सहायता राशि दी जानी चाहिए। साथ ही सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा को लेकर क्या करें? सुरक्षा तो प्रोटेक्शन एक्ट, वही जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहा हूँ, वो प्रोटेक्शन एक्ट अब बताने लगेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। उनको, उनसे जो टकराएगा, उनको जो प्रताड़ित करेगा, मारेगा, उस पर जुर्माना भी देना होगा। सरकार को उसमें कुछ नहीं करना है, सरकार को केवल व्यवस्था देना है। सरकार अगर व्यवस्था दे देगी तो उसको पैसे नहीं खर्च करना है। जो अधिवक्ता से टकराएगा, जो अधिवक्ता को मारेगा, वही 25,000 रुपया जुर्माना देगा और इसके बाद जो है उसको सजा भी 10 साल की व्यवस्था होगी सजा करने की। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता सुरक्षित हो जाएगा। अधिवक्ताओं को आए दिन जो न्यायालय द्वारा भी दिक्कत हो रही है कि कोर्ट पॉइंट न निकले, कहीं प्लाट बन न जाए और कहीं लाइसेंस लेके न जाए, उनकी सुरक्षा कहाँ हो रही है? वो अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के न्यायालय में भी नहीं आ सकते, वो कहीं जा भी नहीं सकते। तो केवल अधिवक्ता न्यायालय तक सीमित रह रहा है। जब न्यायालय तक सीमित रह रहा है तो उसको आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, तमाम बाधाएं आ रही, आते जाते अटैक हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, पुलिस मार रही, लाठीचार्ज कर रही है। अभी हापुड़ वाले मामले में जो अधिवक्ता हड़ताल पर थे और उसको जाकर के हमारे बार काउंसिल चेयरमैन ने समझौता किया चीफ सेक्रेटरी से, उत्तर प्रदेश के, वार्ता की और समिति गठित करने की बात भी आई, लेकिन आज 4-5 महीना बीत गया, आज तक समिति गठित नहीं हुई और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नहीं सामने आ रहा है कि क्या प्रगति हुई अब तक। ऐसी स्थिति में हम बराबर इस बात पर संघर्षशील हैं और रहेंगे भी। ये प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ताओं की सहायता की राश बराबर करती है। सर, क्या नाम है आपका? मैं समर बहादुर यादव, जनपद जौनपुर का रहने वाला हूँ, पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ 2 साल तक, यहाँ बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूँ।